तो राहुल गांधी को आपने सुना और उन्होंने कहा, और चलिए अब बारिश की बात कर लेते हैं। हाड़ौती में भारी बारिश, कोटा बैराज से बढ़ाई गई पानी की निकासी, और हमारे सहयोगी कोटा बैराज से ही जुड़ गए हैं भंवर एस चारण। क्या कुछ तस्वीरें हैं भंवर वहां की, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है, क्या इस वक्त बारिश हो रही है और क्या वहां की तस्वीरें? बिल्कुल मेगा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी मैं बारिश में ही खड़ा हूँ। तस्वीरें बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। सीधी तस्वीरें आप चंबल नदी की देखिए जो कि लगातार उफान मार रही है, क्योंकि कोटा बैराज से पानी की निकासी बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल आप जो देख रहे हैं करीब 50,000 क्यूसेक ये पानी है जो कि बैराज से निकल करके और आगे चंबल नदी में अब जा रहा है। और इसके चलते साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको चंबल की बड़ी पुलिया जो कि नयापुरा में है वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, और उसके नीचे जो छोटी पुलिया है जहाँ से कल तक ट्रैफिक चल रहा था अब वहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। यह तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम है, और यहाँ आप देखिए ये जो हेरिटेज रिवर फ्रंट यहाँ पर बन रहा है, देखिए उस पूरे प्रोजेक्ट स्थल पर भी किस तरह से पानी गिर चुका है। सुरक्षा दीवार बनाने की कोशिश करके और कोशिश की गई थी कि पानी को रोका जाए लेकिन पानी को रोका नहीं जा सका। और दूसरी तरफ की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बैराज के गेट खोलने के बाद किस तरह का नज़ारा यहां पर बन रहा है और साथ में किस तरह से पानी की निकासी यहां पर बढ़ाई गई है। चलिए ये तस्वीर आप देखिए, 8 गेट फिलहाल कोटा बैराज के खोले जा चुके हैं, और इसके बाद आप देखिए किस तरह से चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी जलराशि इस वक्त बैराज से निकल करके और दाखिल हो रही है चंबल नदी के अंदर। और सबसे बड़ी और सबसे चिंता बढ़ाने वाली दो बातें ये है, पहली बात तो ये कि अभी भी बरसात का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी बारिश जारी है। और दूसरी चिंता की बात ये कि कोटा बैराज के पीछे जो बड़े बांध है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, उन बांधों में भी तेजी से पानी की आवक हो रही है। अभी तक केवल कैचमेंट एरिया का और कोटा की स्थानीय बरसात का पानी बैराज से छोड़ा जा रहा था, अब पीछे के जो बड़े बांध है उनकी आवक भी बैराज में शुरू हो गई है। तो आप ये तय मानकर चलिए कि कोटा बैराज से पानी की आवक आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, और पानी की ये बढ़ती आवक और ज्यादा मुश्किलों में इजाफा करेगी और धौलपुर तक का जो चंबल का इलाका है वहां के लिए और ज्यादा परेशानियां पैदा करेगी। चंबल आगे अब खतरे के निशान को बहुत ज्यादा पार करके और बहने वाली है। जी, क्योंकि देखिए इस वक्त भंवर पानी लगातार बरस रहा है, आप कह रहे हैं बारिश अभी भी हो रही है, अगर इसी तरह बारिश चलती रही तो कितने समय में चंबल नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा? देखिए अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं रुक करके आपको सायरन सुनाने की कोशिश करता हूं, आप सुनिएगा, ये सायरन मेगा इस बात का प्रतीक है कि बैराज का एक और गेट खोलने की तैयारी है। अभी तक 8 गेट खोले गए थे, अभी अभी सायरन बजा है और गेटों में और इजाफा होने जा रहा है। यानी आप जिसकी बात कर रही थी कि चंबल नदी कब रौद्र रूप धारण करने वाली है, चंबल नदी लगातार अपने रौद्र रूप में आती जा रही है। पार्वती, परवन, काली सिंध जो अंचल की बड़ी नदियां हैं पहले ही किनारों से बाहर निकल रही है, और अब चंबल भी अपने किनारे छोड़ने पर आमादा है, क्योंकि कोटा का सबसे बड़ा बांध कोटा बैराज पानी से लबालब हो चुका है। 852 के आसपास फिलहाल बांध का स्तर है, कुल 854 फीट की इसकी भराव क्षमता है, और भराव क्षमता से 1.5 फीट इसको खाली रखना जरूरी है। लगातार पीछे से पानी की आवक हो रही है और सायरन बज रहे हैं, एक बार फिर से मैं दर्शकों को ये सायरन सुनाने की कोशिश करता हूं। ये सायरन खतरे का सायरन होता है कि हट जाइए, पानी की आवक बढ़ने वाली है, गेटों की तादाद में इजाफा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के कोटा में मानसूनी आपदा जिसके चलते मकान गिर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, लगातार इटावा इलाका जो है कोटा का उपखंड मुख्यालय है वो तीन तरफ नदियों से घिरा है, क्योंकि एक और गेट खोला जा रहा है। 8 गेट खोल दिए गए हैं, 9 गेट खोल दिए जा रहे हैं, क्या अगर इसी तरह पानी भरता रहा तो और गेट भी खोले जाएंगे? कितने गेट हैं और इसी तरह पानी भरता रहा तो किस तरह परेशानी हो सकती है? देखिए कुल मिलाकर के कोटा बैराज के 19 गेट हैं, और 2019 में जब सारे 19 गेट्स को खोलने की नौबत आई थी तब कोटा शहर के एक बड़े इलाके में खतरनाक बाढ़ के हालात बन गए थे, कई मकान गिर गए थे और शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आप दुआ करें कि उस तरह के हालात इस बार नहीं बने, लेकिन जो हालात फिलहाल कोटा में बन रहे हैं, क्योंकि पिछले कमोबेश एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए हैं और बारिश लगातार बरसती जा रही है, लेकिन लोग इस बारिश में आप देखिए किस तरह से छाते लेकर के और देखने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कोटा बैराज के कितने गेट खुल गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है,
बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन डर नहीं लगा जिस तरह से बारिश रुक नहीं रही है? डर तो लग रहा है, मतलब काम धंधे ही बंद हो गए बिल्कुल, और ना बच्चे ही परेशान हो रहे हैं, कपड़े धोने के लिए परेशान हो रहे हैं। चलिए, परेशानियां तो है लेकिन इन खतरों के साथ ये जो इसको देखने के लिए भी लोग जुट रहे हैं, छाता लेकर क्या पहुंचे तो हैं, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा है, छाता बचा पाएगा क्या? अब छाता बचा तो नहीं पाएगा, लेकिन बच्चे को इच्छा कि हम देख के आए, गेट खुले हुए इसलिए बच्चे आए हैं देखने के लिए। क्यों बेटा, क्या देख रहे हो, कैसा लग रहा है, आप कुछ बताना चाहोगे कैसा लगता है कोटा बैराज? गेट खुले हुए बहुत सुंदर लगते हैं। चलिए तो आप देखिए, लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आकाशदीप आपको तस्वीरें बैराज के किनारे की दिखा रहे हैं, आप देखिए लगातार यहाँ से जो पानी का डिस्चार्ज हो रहा है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनता है। उस नज़ारे को देखने के लिए कोटा के लोग जुट रहे हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर थमने का नाम जी नहीं बिल्कुल ले रही है। और देखिए भंवर, क्योंकि बारिश नहीं थम रही है, लोग लगातार पहुँच रहे हैं, भीड़ भी हम देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ आपके पीछे है, और आपने लोगों से भी बातचीत की है, प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो? देखिए अलर्ट लगातार आगे भेजे जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको, आपने देखा कि गेट खोलने से पहले यहाँ पर एक तेज सायरन बजाया गया ताकि अगर कोई बहाव क्षेत्र में है, कोई डाउनस्ट्रीम में अगर आदमी किनारों के आसपास बैठे हैं तो वो हट जाएं। जाहिर तौर पर अब ये तय मानकर आप चलिए कि चंबल नदी जो है वो केशवराय पाटन से होकर के और धौलपुर तक उफान मारने वाली है, और इसीलिए आप देखिए किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखिए लगातार यहाँ पर गार्ड्स तैनात किए गए हैं जो यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लोग हट नहीं रहे। बिल्कुल हट नहीं रहे, बहुत सारे भीड़ है आने जाने वालों के लिए, गाड़ी चार पहिए टू व्हीलर सारी रुक रही है। चलिए जो कोशिश है वो यही कि लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे लेकिन बहुत ज्यादा करीब ना जाएं और किसी तरह का हादसा ना हो। लेकिन ये वो तस्वीरें जब लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है और उस बारिश का असर किस तरह का कोटा बैराज में दिख रहा है, वो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका पूरी जानकारी के लिए।